कि आप देख रहे हैं रीवा जिले के हालात क्या हैं। इससे पहले भी बहुत सारे बयान आए हैं। अब इस बार जो यह बयान है, ये सीधा सीधा डिप्टी सीएम के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। डिप्टी सीएम को तकलीफ नहीं है, एक विधायक उन्हीं के दल के विधायक को तकलीफ है, तो डिप्टी सीएम को उस विधायक की तकलीफ की समस्या का समाधान करना चाहिए। तो समाधान के ध्यान में उसको करें। मैं तो पहले कहता था कि जो कांग्रेस का नहीं हुआ वह भाजपा का कहां से होगा। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बातें आना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह बात जहां से निकली है वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि विधायक, मंत्री, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री जैसा पद पिछले 20 वर्षों में राजेंद्र शुक्ला जी को प्राप्त हुआ, उनका परिवार उसी रास्ते से निकलता है, उसी रास्ते से जाता है। उस परिवार को कोई तकलीफ नहीं हुई, वहाँ के रहने वाले आने जाने वालों को कोई तकलीफ नहीं हुई। जरा सोचिए कि श्रीनिवास तिवारी जी, सुंदरलाल तिवारी जी का बचपन, जवानी, बचपन भी और जवानी भी और इस उम्र तक उसी अमैया से निकलते थे, उसी अमैया से वापस होते थे, घर की ओर जाते थे। और सत्ता का केंद्र बिंदु दोनों दल रहे, भाजपा भी, कांग्रेस भी चली तो अमैया से चली, बीजेपी भी चल रही तो अमैया से चल रही। तो इन 20-40 सालों में भी, 50 सालों से पहले तो वह मजार है, इतनी चौड़ी है, रंग रोगन जरूर आज हो गया है, उन बुजुर्गों को जरूरत नहीं पड़ी। आज एक ये नए विधायक जो अभी नए नए बने हैं इनको तकलीफ हो रही है, तो मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी से कहूँगा कि देखिए कुछ ऐसा करिए कि उनकी गाड़ी मुड़ने के लिए तकलीफ ना हो, ऐसा कोई टुकड़ा जो है, क्योंकि आप राजेंद्र शुक्ला जी की गाड़ी को तो कोई तकलीफ हो नहीं रही है, तो उनकी गाड़ी के लिए एक मुझे विधायक जी नए बने हैं, उनकी गाड़ी के लिए स्पेशल कोई टुकड़ा अगर तोड़ना कहीं पड़ रहा हो मजार के अलावा, देख लीजिए तो उनकी गाड़ी स्मूथ निकल जाए, ऐसा कोई टुकड़ा जो है देख लें राजेंद्र शुक्ला जी और उसकी व्यवस्था कर दें कि वो नए विधायक हैं तो स्वाभाविक है उनको तकलीफ होना जायज है। जनता को तकलीफ नहीं है, अमैया के रहने वालों को तकलीफ नहीं है, अर्जुन नगर के रहने वालों को तकलीफ नहीं है। अगर उनको यह तकलीफ हुई है तो उनकी गाड़ी के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था अगर बना देंगे तो। राजेंद्र शुक्ला जी वैसे भी बहुत समझदार हैं, मैं तो यहाँ यह कहूँगा कि ईदगाह में, पचपटा ईदगाह के पास भी एक ऐसी समस्या आई थी, तो उन्होंने उसका समाधान निकाला था, वो रीवा जिले के अंदर उसका हल्ला नहीं हुआ, पता नहीं चला था, वह काम हो गया था। तो यह शहर प्रेम का शहर है, गंगा यमुनी संस्कृत का शहर है, तो इसमें इस तरह की बातचीत आना चाहिए ही नहीं, ये बातें घर बैठ के ही कर लेनी चाहिए, कोई इसका रास्ता निकाल लेना चाहिए या बात कर लेनी चाहिए। लेकिन इस तरह की विधायक जी द्वारा बात कही गई है कि यह तो सीधे सीधे उन्होंने डिप्टी सीएम को चैलेंज किया। देखिए यहाँ आक्रोश की बात नहीं है, सिख समाज की गुरुद्वारे की कहीं बात आएगी तो सिख समाज भी आक्रोशित होगा, हिंदू समाज के किसी मंदिर की बात आएगी तो हिंदू समाज भी आक्रोशित होगा, क्रिश्चियन समाज की चर्च की बात आएगी तो वह भी आक्रोशित होगा। वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारे बुजुर्गों के प्रति कोई भाव इस तरह का रखेगा, हमारे बुजुर्ग माता पिता के प्रति भी अगर कोई भाव इस तरह का रख देता है जाने अनजाने में, तब भी आदमी को गुस्सा आता है। तो जब इस तरह की बात आएगी तो उन्माद तो पैदा होगा, और वो उन्माद सत्ता दल के एक नए विधायक द्वारा पैदा किया जाए ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ राजेंद्र शुक्ला जैसे व्यक्ति जो कि मैं इस पर विश्वास रखता हूँ कि वो गंगा यमुना संस्कृत को रीवा की पे विश्वास रखते हैं, तो उन्माद तो होना जाए, उन्माद तो होगा, गुस्सा तो आएगा और आना भी चाहिए हर समाज के व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, किसी का खून पानी नहीं हुआ, सबका खून खून है।